ये क्या बना रहे हो? और ये कौन सा डोसा है? बेबी डोसा। स्पेशल बेबी डोसा थैंक यू। तो ये है 309 हमारा रूम नंबर और ये है उसके कीज। तो रूम में काफ़ी अंधेरा है तो यहाँ पे ये कीज रखते हैं। तो लाइट्स ऑन हो गए। तो ये है हमारा रूम। काफी स्पेशियस है। यहाँ पे ये है मिनी बार और किंगफिशर के बॉटल्स हैं यहाँ पे। तो अगर आप इसमें से कुछ परचेज करना चाहो तो कर सकते हो लेकिन वो चार्जेबल होता है। यहाँ पे एक डस्टबिन दिया गया है और ये है आपका टीवी का और एसी का रिमोट। और यहाँ पे एक एसी सॉरी एक टीवी है। और ये कुछ एमिनिटीज़ है टी और कॉफ़ी के लिए। यहाँ पे टेटली के नेस्कैफे के नेस्ले के शुगर के पैकेट्स हैं तो आप चाय या कॉफ़ी बना के पी सकते हो। ये होटल की तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री होता है। यहाँ पे रूम सर्विस के लिए मेनू दिया है तो ब्रेकफास्ट के लिए डिनर के लिए लंच के लिए जो भी है आप अलाकार्ट मंगा के रूम में इंजॉय कर सकते हो खाना। आप इस वीडियो को एक्चुअली पॉज करके देख सकते हो इनके रेट्स क्या हैं वगैरह वगैरह। और ये लॉन्ड्री के लिए है अगर आप लॉन्ड्री सर्विस यूज करना चाहते हो तो ये इसके लिए है। तो ये है कासा दे गोवा में लॉन्ड्री के रेट्स। ये एक चेकलिस्ट दिया है। आप वीडियो को पॉज करके भी सारे रेट्स चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ पर
ये है स्पेशल मिनी बार ऑफर। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये मिनी बार से अगर आप कोई भी बॉटल परचेज करते हो तो यहाँ पे लिखा है किंगफिशर पाइंट ₹90 ओनली। और ये है हमारा विंडो। विंडो को ओपन करने से पहले अंदर का रूम दिखा दूँ। यहाँ पे आपको एक फुल लेंथ मिरर मिलेगा और ये है टॉयलेट और बाथरूम। यहाँ पे एक ड्रायर है, वॉश बेसिन है, सोप बार है। यहाँ पे आपको मिल जाएंगे डिस्पोजेबल बैग्स, शावर कैप। यहाँ पे है शावर जेल, ये है मॉइस्चराइज़र और ये है शैम्पू, और टिश्यू पेपर भी दिया है। साथ ही साथ यहाँ पे एक डस्टबिन है, WC। और ये रहा बाथरूम क्यूबिकल। यहाँ पे भी उन्होंने सारे टॉयलेट्रीज प्रोवाइड किए हैं। तो मैंने इन्होंने से इन्होन अरे कहना क्या चाहते हो? मैंने इन लोगों से चेक किया था, पानी जो है 24/7 आपको हॉट वाटर फैसिलिटी मिल जाएगी। यहाँ पे इनके पास 16 पैनल है, तो उसकी सहायता से आपको ये लोग गर्म पानी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे दो साइड टेबल दिए गए हैं, एक लैम्प है यहाँ पे और यहाँ पे एक लैम्प है। और ये किंग साइज बेड, वाओ काफ़ी सॉफ्ट है। तो अंदर का रूम मैं आपको बता देती हूँ। ये है हमारा बेडरूम, ऊपर फैन दिया है और AC भी है, और वो एक छोटा सा विंडो है वहाँ पे। और यहाँ पे एक छोटी सी अच्छी सी पेंटिंग दी है, एक लैम्प है। दो तरफ साइड टेबल दिख जाएंगे आपको, वहाँ पे भी लैम्प है। पानी दिया है, पर पर्सन 1 बॉटल। और ये कुछ ड्रॉज है शायद, इसमें आप अपना कुछ सामान रख सकते हो। और यहाँ पे अंदर बेडरूम में इन्होंने ये वाईफाई दिया है, आप देख सकते हो। तो अंदर ये इस बेडरूम में भी TV है, आपने देखा कि लिविंग रूम में भी एक TV थी। यहाँ पे एक डस्टबिन है और ये एक कबर्ड दिया है, हैंगर्स वगैरह सब मिल जाएंगे आपको। ये कुछ है बाहर का नज़ारा। मुझे तो वाइन शॉप दिख रहा है सामने। कूल, दैट्स नाइस। ये है, यहाँ पे AC भी दिया है और आप देख सकते हो यहाँ पे 2 फैंस हैं। इनफैक्ट और ये चेयर है, और इस टेबल पे आप कुछ ऑफिस का काम वगैरह कुछ हो तो आप कर सकते हो, या कोई भी काम हो तो आप इस चेयर की सहायता से कर सकते हो। आपका लैपटॉप यहाँ पे चार्जिंग पे रख सकते हो आप। ये है विंडो, तो मेरे डैड ये ओपन करेंगे थोड़ा विंडो। सो ये ब्लाइंड्स
तो डैड मेरी हेल्प करेंगे ब्लाइंड्स को ओपन करने में। और ये है हमारी बालकनी, यहाँ पे दो चेयर्स दिए गए हैं तो आप आराम से टी कॉफ़ी इंजॉय कर सकते हो। और ये बाहर का व्यू है, ये थोड़ा सा क्लीन नहीं है क्योंकि बाहर थोड़ा सा डस्क दिखेगा आपको, तो विंडोज़ थोड़े क्लीन नहीं हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे बैठते हो तो आपको बाहर का थोड़ा व्यू अच्छे से दिख जाएगा। ये वाइन शॉप है, वहाँ पे कोई जूस सेंटर है, और इस तरफ से दिखा देती हूँ आपको, यहाँ पे कोई होटल डाउनटाउन है सामने, तो आप चाहो तो या तो होटल से कुछ लंच या डिनर ऑर्डर कर सकते हो, या तो बाहर जाके भी कुछ खा सकते हो। तो ये कासा दे गोवा का मेनू कार्ड है, एंड दिस इज़ दी रूम सर्विस मेनू, सो यू विल फाइंड कासा स्पेशल कॉकटेल्स, शूटर्स नॉन अल्कोहल कॉकटेल्स, दिस इज आयरिश विस्की, माल्ट, रम, टकीला, you just turn this, okay, this is the breakfast menu, and you have continental breakfast, then there is Casa de Goa special, and you have all this Indian selection, hot and cold beverages. Now this is the in room dining, aur inke note down kar lijiye timings, aap 12 noon se leke 11 pm tak hai। वीडियो को पॉज करके भी ये सारा इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो। ये जो आप देख रहे हो ये है हमारे रूम की चाबी, यहाँ पे आप देख सकते हो इंसर्ट कार्ड फॉर पावर, तो जैसे ही आप रूम के अंदर आते हो आपको ये कार्ड यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ता है, वरना लाइट्स स्विचेस कोई भी चालू नहीं होंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, तो ये आप इंसर्ट कीजिए और उसके बाद पावर ऑन हो जाएगा, और जैसे ही आप कार्ड को बाहर निकालते हो बस 5 मिनट में पावर ऑफ हो जाता है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डू नॉट डिस्टर्ब का बटन, यहाँ पे एक स्विच है, और ये है प्लीज़ क्लीन अप का स्विच, तो अगर आप रूम से बाहर जाते हो और आप क्लीन अप कराना चाहते हो, रूम क्लीन करना चाहते हो, तो यहाँ पे डायरेक्टली ये स्विच को ऑन कर सकते हैं। ये जैसे ही हम ऑन करते हैं ये ब्लू कलर की लाइट ब्लिंक होती है यहाँ पर, अगर आप चाहते हो कि कोई डिस्टर्ब ना करे आपको तो ये आप स्विच ऑन कर सकते हैं। तो बाहर जो है उनको इन्फॉर्मेशन चला जाता है कि आप चाहते हो कि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, तो ये डू नॉट डिस्टर्ब के लिए है। तो यहाँ पे वॉल पे एक प्यारी सी पेंटिंग है, Oh।
भूख लगी। तो ये हमारा डिनर आ चुका है। तो ये पेपरोनी पिज़्ज़ा है। ये है मुर्ग मक्खन वाला, ये है लच्छा पराठा, ये है पैन फ्राइड चिकन, ये है मटन रोगन जोश, और ये जैसे कि मैंने आपसे कहा पेपरोनी, ये है पेपरोनी पिज़्ज़ा। तो अब हम डिनर इंजॉय करते हैं और मैं आपसे कुछ देर में मिलती हूँ। यहाँ तक अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अब बात करते हैं प्रोस के बारे में। तो काफ़ी स्पेशियस, क्लीन और वेल मेंटेन्ड रूम्स लगे मुझे, और एक्सट्रीमली कंफर्टेबल बेड्स थे। बहुत ही क्विक रूम सर्विस है इनकी। और ये जो प्रॉपर्टी है वो वॉकिंग डिस्टेंस पे है कलंगुट बीच से। इनका स्टाफ मुझे काफ़ी रिस्पॉन्सिबल, पोलाइट और हेल्पफुल लगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। तो अब बात करते हैं कॉन्स के बारे में। तो इनका जो हॉट वाटर फैसिलिटी है, इसके बारे में मैंने फ़ोन पे उनसे पहले ही पूछ लिया था बुकिंग से पहले। तो इन्होंने मुझे बताया कि इनका 24 आवर्स हॉट वाटर फैसिलिटी अवेलेबल होता है, पर हमने काफ़ी इश्यूज़ फेस किए और फाइनली लास्ट डे पर जाके वो इश्यूज़ सेटल हुए। अब खाने के बारे में बात करें तो कुछ आइटम्स मुझे खाने में बहुत ज़्यादा सॉल्टी लगे। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तो जैसे मैंने कहा, इनकी सेकंड प्रॉपर्टी यहाँ पे है, तो आप जस्ट रोड क्रॉस करके इस तरफ जा सकते हैं।